हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका कौशिक किचन में स्वागत करती हूँ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे टैप कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिए। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल टमाटो सूप। आपने रेस्टोरेंट का सूप पिया होगा, वो बहुत ही गाढ़ा और थिक होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा आज वो रेस्टोरेंट जैसा थिक सूप बनाने के लिए आपको चाहिए 500 ग्राम टमाटर और दो प्याज, एक आलू कटा हुआ, और यहाँ पे हमने लिए दो चम्मच चीनी, एक चम्मच काला नमक जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, एक चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा बटर और एक तेज पत्ता। इन सबको मैंने काट लिया था। हम यहाँ पे एक कुकर ले रहे हैं सूप बनाने के लिए। कुकर में मैंने बटर डाल दिया है। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा तभी हम और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें मिलाएंगे। कच्चे बटर में अगर आप बटर मेल्ट नहीं हुआ है तो आप उसमें सब्जियां मत डालिए, क्योंकि कच्चे बटर का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए अच्छे से उसे मेल्ट होने दें, उसके बाद ही उसमें प्याज भुनने के लिए डालें। आपको लग रहा होगा बटर कितना ज़्यादा यूज़ किया है। एक्चुअली जो रेस्टोरेंट वाले हैं वाला टमाटो सूप बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वो इसी टेक्सचर में बनेगा, गाढ़ा और लजीज भी, जैसा कि आपको रेस्टोरेंट का लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पे अभी बटर में एक तेज पत्ता डाल दिया है। अब जो हमारे कटे हुए प्याज हैं बड़े बड़े, वो हमने इसमें डाल दिए। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें और सब्जियां मिलाएंगे। आप चाहें तो इसे इतना हैवी नहीं बना के इसमें कम बटर भी यूज में ले सकते हैं, और साथ ही आप प्योर टमाटर का भी यूज में ले सकते हैं। आपको अगर कलर चाहिए तो इसमें आप बीटरूट मतलब शलजम भी मिला सकते हैं, उसके एक दो पीसेस, जिससे कि बहुत अच्छा रेड कलर आ जाएगा उसमें और आपका सूप बहुत कलरफुल दिखेगा। मैं यहाँ पे बीटरूट नहीं मिला रही आज, यहाँ गाढ़ा करने के लिए, जो थिक टेक्सचर आने के लिए मैं यहाँ पे आलू मिला रही हूँ। आपने अभी कटे हुए आलू देखे होंगे, आप सोचे होंगे ये तो सूप टमाटर का है, फिर इसमें आलू का क्या काम। एक्चुअली सब जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो थिक बनाने के लिए सूप को या तो उसमें चावल का पानी, जो स्टार्च होता है चावल का, वो मिलाते हैं या आलू मिलाते हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं हमारे प्याज। अब हम यहाँ पे टमाटर कटे हुए जो थे 500 ग्राम टमाटर, वो यहाँ पे मिला दे रहे हैं। और अब हम इसमें जो हमारे कटे हुए आलू हैं वो मिला देंगे। इसको थोड़ा सा हिला लें अच्छे से। आप खाली टमाटर का भी इसी तरह से सूप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा वो थिक नहीं बनेगा, क्योंकि प्योर टमाटर का सूप में थिकनेस कहाँ से आएगी। थिकनेस के लिए ही तो हम यहाँ पे आलू मिला रहे हैं। तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं आलू, पर रेस्टोरेंट जैसा अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आलू तो मिलाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे आधी चम्मच नमक मिला रहे हैं, जिससे कि हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर उन्हें मिले और थोड़ा टेस्ट भी अच्छे से आ जाए, सभी टमाटर में घुल जाए नमक अच्छे से। बाद में भी हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे इसमें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि टमाटर और आलू को उबलने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसे ढक दूंगी कुकर को। और यहाँ पे हम इसमें 5 सीटी ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसे 5 सीटी बाद ओपन करेंगे, बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा कुकर तब।
ये देखिए 5 सीटी बाद मैंने इसे ओपन किया है। हमारे टमाटर और आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें इन्हें मैश करना है, तो हम इसे दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। उसके बाद में जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे और आगे का प्रोसेस तो मैं बता ही रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने सारे को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है इस तरह से ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है। मैं यहाँ पे जो 2 चम्मच चीनी थी वो मिला रही हूँ, 1 चम्मच काला नमक मिला रही हूँ, 1 चम्मच काली मिर्च मिला रही हूँ। आप ये उबालते वक्त भी मिला सकते हैं, पर मैं इसे पीसने में मिला रही हूँ जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ग्राइंड होके स्मूथ पेस्ट आ जाएगा हमारे पास। ये ग्राइंड हो गया है, अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे जिससे कि जो थोड़े बहुत टमाटर के जो कवर होता है टमाटर का उसके रेशे बचे हों इसमें, और थोड़ा बहुत भी कुछ मोटे टमाटर रहे हों तो वो इसमें से छन जाए और हमारे पास सॉफ्ट सा सूप निकल के आ जाए। ये प्रोसेस जरूर आप फॉलो करें, क्योंकि छानने से क्या होता है कि जो कुछ भी मोटा बचता है आपके सूप में वो सब इसमें इस तरह से छन जाता है। और सूप हमेशा सॉफ्ट सा स्मूथ सा ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें ये छानना बहुत जरूरी है। इस तरह से छान लीजिए इसको। और सूप तो हमेशा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा सूप किसे पसंद आता है, इसलिए आप इसे इस तरह से छान के फिर दोबारा से एक उबाल देने के लिए कुकर में डाल दीजिए जिससे कि वो थोड़ा सा उबाल लेके और बहुत ही अच्छा गरम गरम टेस्ट आए हमारे सूप में। और जब हम उसे गरम गरम परोसेंगे तो उसका टेस्ट तो बहुत ही शानदार आता है। ये देखिए ये उबाल आने लग गया है धीरे धीरे। अब हम थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे सूप को कि कहीं हमारे सूप में कोई चीज की कमी तो नहीं है, तो हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ इसमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक मिला रही हूँ। काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सूप में, तो आप भी हो सके तो काला नमक ही मिलाएं सूप में, क्योंकि काला नमक का स्वाद ही थोड़ा सा मीठा सा होता है, खट्टा खट्टा सा होता है, तो ये थोड़ी खटाई की कमी, थोड़े से नमक की कमी, सब तरह की कमी पूरी कर देगा सूप में और आपका सूप बहुत ही लाजवाब लगने वाला है। आप खुद देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा गाढ़ा बना है ना, इसमें बिल्कुल भी क्रीम की आवश्यकता नहीं है। होटल वाले क्रीम और मिलाते हैं सूप में इसे थिक बनाने के लिए, हमारा सूप पहले ही इतना गाढ़ा है, हमें क्रीम की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप गार्निशिंग के लिए क्रीम यूज़ करना चाहें तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से सर्व कर रही हूँ, आप भी इस तरह से सूप बना के देखिए, आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल बहुत ही लाजवाब बना है सूप हमारा, बिल्कुल बाजार के सूप को भी मात करने वाला है ये सूप। आपको ये रेसिपी मेरे चैनल के और वीडियोस पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देखिए बिल्कुल हमारा सूप तैयार है, आप भी इस तरह से बना के अपने व्यूज में कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।